सभी दर्शकों का स्वागत है। पिटती हुई मां को बचाने पर पिता ने ले ली बेटी की जान। तमिलनाडु के तिरुवनवेली गांव में एक शराबी पिता ने अपनी ही 7 साल की बेटी को पीट पीट कर मार डाला। बच्ची का दोष सिर्फ इतना था कि वो अपने पिता को अपनी मां के हाथ से मारपीट करने से रोक रही थी। पुलिस ने मामले के आरोपी पिता 37 साल के कैलाश को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इस अपराध को छुपाने की आरोपी उसकी पत्नी नीलावती को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि बच्ची सुरगिता कक्षा 2 में पढ़ती थी। सोमवार को वह घर के बाहर खेल रही थी जब उसके पिता ने उसे वापस बुलाया, लेकिन वह नहीं आई और खेलती रही। इसके बाद देर रात कैलाश नशे की हालत में घर आया तो बच्ची की बर्ताव के लिए उसने पत्नी से झगड़ा करने लगा। इस बीच बच्ची अपनी माँ को बचाने आई तो बात बहुत अधिक बढ़ गई। बच्ची जब मार खाती अपनी माँ को बचाने के लिए आगे बढ़ी तो उसके पिता कैलाश का गुस्सा और अधिक बढ़ गया और उसने बच्ची के साथ बुरी तरह से मारपीट शुरू की। उसने बच्ची को उठाकर बुरी तरह से जमीन पर पटका तो बच्ची को गंभीर चोट आई और वह बेहोश हो गई। पति पत्नी भागकर उसे अस्पताल ले गए और वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद वे घबराकर बच्ची के शव को तुरंत घर ले आए और हत्या की बात छुपाने की कोशिश करने लगे। वे लड़की को छत से गिरकर मरने का दावा करने लगे। पति पत्नी मंगलवार को चुपचाप बच्ची का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे। पुलिस को मामले की खबर लगी तो पुलिस ने पड़ोसी और परिवार से पूछताछ की गई। पुलिस को देर रात घर में हुए झगड़े के बारे में मालूम हुआ तो दंपति ने सब कुछ कबूल कर लिया। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।